हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 8, सेकंड पार्ट का ही इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 8 है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, विनिर्माण उद्योग। तो मैं राजकुमार हिमालयन, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरकाघाट से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है मेजर इंडस्ट्रीज, प्रमुख उद्योग, किसी भी अर्थव्यवस्था के जो प्रमुख उद्योग हैं वो कौन कौन से होते हैं। वैसे तो लोहा इस्पात उद्योग जो है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है, वो सबसे इम्पोर्टेंट उद्योग होता है, लेकिन इसके अलावा भी कपास या वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग जो है वो भी आधारभूत उद्योग होते हैं, प्रमुख उद्योग होते हैं। आजकल इसके अलावा वर्तमान समय में आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो उसमें पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज और आईटी इंडस्ट्री भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमुख उद्योगों की श्रेणी में जो है वो आते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इस चैप्टर के अंतर्गत। वैसे भारत देश में जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था की सबसे ज़्यादा मूलभूत जो उद्योग होता है वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ही होता है। आप दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था की जो बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, वो होता है लोहा इस्पात उद्योग, मॉडर्न इंडस्ट्री की। इसके इतिहास की अगर बात अगर हम करें तो इतिहास के अंतर्गत अगर हम देखें भारत देश में लोहे के जो अवशेष हैं वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई थी सभ्यता के अंतर्गत भी कुछ एक जो औजार हैं वहाँ पे उपलब्ध हुए हैं, और ये सभ्यता रही है भारत देश में आज से लगभग जो है 5000 वर्ष पूर्व। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप यहाँ अपनी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं कुतुब मीनार, दिल्ली में कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार के साथ ही यहाँ पे एक लोहे का स्तंभ जो है वो दिखाई दे रहा है। ये लोहे का स्तंभ जो है लगभग 7 मीटर जो है वो ऊंचा है, और ये जो पिलर है, स्तंभ है, ये लगभग 1415 में जो है बनाया गया था। तो 15 शताब्दियां हो गई इस लोहे के स्तंभ को, कितनी बारिश कितनी धूप जो है इसने सहन की होगी, लेकिन आज भी ये स्तंभ जो है वैसा का वैसा ही दिखाई देता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि भारत देश का जो लोहा इस्पात उद्योग है वो कितना पुराना होगा। इसके पश्चात हम बात करें जो मध्यकाल आया, मेडिवल जो पीरियड है, हालांकि इस पीरियड में भारत देश का लोहा इस्पात उद्योग का पतन जो है वो कुछ हो गया था या लुप्त हो गया था, जो कला थी भारतीयों के अंदर वो धीरे इस समय में जो है लुप्त हो गई थी। तो उस समय भी इतना ज्यादा विकास जो है इस उद्योग का नहीं हो पाया, लेकिन कॉलोनियल पीरियड की अगर हम बात करें, जो उपनिवेश का काल था, जो यूरोपवासी यहाँ पे आ, चाहे वो ब्रिटिश थे, फ्रांसीसी थे, पुर्तगाल इत्यादि थे, जो भी थे, उन्होंने भारत देश में इस उद्योग का ज्यादा विकास जो है वो किया। तो आधुनिक भारत देश में जो लोहा इस्पात उद्योग का जो प्रारंभ है वो माना जाता है 1870 में, जब वेस्ट बंगाल में एक बंगाल आयरन एंड स्टील वर्क्स करके जो है एक इंडस्ट्री यहाँ पे स्थापित की गई थी। लेकिन उसके पश्चात, हालांकि ये इतना कामयाब उद्योग नहीं हो पाया, लेकिन इसके पश्चात सन 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है इसकी स्थापना जो है वो की गई थी भारत देश में। तो इसी को ही आधुनिक लोहे इस्पात उद्योग का युग जो है यहाँ से आरंभ माना जाता है। इसके पश्चात हम बात करें भारत देश में जो लोहा बनता है, आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि लोहे का उत्पादन जो है वो किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से लोहा जो है वो तैयार किया जाता है। तो लोहा तैयार करने के लिए एक टन स्टील बनाने के लिए हमें जो है 8 टन कोयले की आवश्यकता रहती है, और 4 टन जो है आयरन ओर लोहा अयस्क की आवश्यकता, और 1 टन जो है लाइमस्टोन चूना पत्थर की आवश्यकता, और 1 टन जो है वो मैग्नीज की आवश्यकता जो है वो पड़ती है, तब जाकर के 1 टन स्टील जो है वो तैयार होता है। तो इतना ज्यादा कच्चे माल की आवश्यकता जो है रहती है, तो इसीलिए इसको वेट लूजिंग इंडस्ट्री भी कहा जाता है, वजन खोने वाले उद्योग भी कहा जाता है, यानी कि भार उन्मूलक उद्योग की संज्ञा भी इसको दी गई है। इसके पश्चात हम बात करते हैं भारत देश में जो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स हैं,
एकीकृत जो इस्पात केंद्र हैं, संयंत्र हैं, उनके बारे में हम एक एक करके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। जैसा आपको मैंने पहले बताया कि इस उद्योग की स्थापना की गई थी सन 1907 में, टिचको के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इस उद्योग की स्थापना की थी एक महाशय थे जमशेद जी टाटा। इन्होंने सांगची, जो सांगची उस समय पश्चिम बंगाल में हुआ करता था लेकिन वर्तमान समय में झारखंड में ये स्थित है, इस स्थान के ऊपर इस उद्योग को स्थापित किया और इस सांगची जगह का नाम ही बदल करके फिर बाद में जमशेदपुर जो है इनके नाम पर जमशेदपुर ही यहाँ पे कर दिया गया। तो ये जो टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, सन 1911 में इसने प्रोडक्शन जो है आरंभ कर दी, उत्पादन जो है इसमें शुरू हो गया था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया की जो है ये सबसे बड़ा उद्योग है, लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में लगभग 41,000 जो लेबरर्स हैं, वर्कर हैं, वो काम यहाँ पे करते हैं। और यह उद्योग जो है प्रतिवर्ष 20,00,000 टन जो है स्टील इनगॉट्स जो है तैयार करता है, इस्पात पिंड तैयार करता है, और 25,00,000 टन जो है वो फिनिश्ड स्टील जो है तैयार करता है। जो फिनिश्ड स्टील है इसके अंतर्गत आता है चादरें, गार्डर, रेल के डिब्बे, कांटेदार तारें इत्यादि जो हैं वो इस उद्योग में तैयार की जाती हैं। और आपको पता है कि टाटा का लोहा जो है वो दुनिया मानता है, पूरे विश्व में जो है इसकी अपनी एक पहचान है, इस उद्योग की अपनी एक पहचान है। तो इस स्थान के ऊपर जो उद्योग स्थापित किया गया, इसके स्थापना के क्या कारण है उसके बारे में हम बात करें। सबसे पहले आप देखिएगा कि यहाँ पे ये वेस्ट बंगाल, इस तरफ जो झारखंड, इस स्थान के ऊपर जो है ये जमशेदपुर। नेक्स्ट मैप में मैं आपको दिखाऊं, ये देखिएगा यहाँ पे ये जमशेदपुर है, इस स्थान के ऊपर इसकी स्थापना जो है वो की गई है। अब इस स्थान के ऊपर ये उद्योग क्यों लगाया गया, आपको ये चीज जो है वो जानना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। तो इस स्थान के ऊपर ये उद्योग स्थापित किया गया, उसकी स्थापना के मूलभूत कारण है, क्योंकि कोई भी उद्योग जब स्थापित किया जाता है तो कच्चा माल जो है सबसे पहले देखा जाता है कि कच्चे माल की उपलब्धता जो है इस स्थान के ऊपर हो पाती है कि नहीं हो पाती है। तो कच्चे माल जो है इसके आसपास ही उपलब्ध हो जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोह अयस्क, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर यहाँ पे गुरमहिसानी की लोहे की खदानें हैं, लोह अयस्क की खदानें हैं, सुलाईपत है, फिर इसी तरह से ये पूरी बेल्ट आ जाती है जहाँ पे लोह अयस्क जो है उपलब्ध हो जाती है। जमशेदपुर के साथ ही यहाँ पे कोयला इस उद्योग के लिए झरिया, इस तरफ जो है रानीगंज की खदानें हैं, वहाँ से कोयला जो है उपलब्ध हो जाता है। उसके साथ साथ जो है लाइमस्टोन, डोलोमाइट इत्यादि जो है वो यहाँ पे बीरमित्रपुर जो है वो वहाँ से चूना जो है वो प्राप्त हो जाता है। नवामुंडी जो क्षेत्र है वहाँ से मैग्नीज जो है उपलब्ध हो जाती है, और भट्टियों की लिपाई के लिए क्वार्टजाइट इत्यादि जो है यहाँ से कालीमती नामक स्थान है यहाँ से 10 किलोमीटर दूर वहाँ से उपलब्ध हो जाता है। और स्वर्ण रेखा नदी जो है जल की आपूर्ति करती है, और उसके साथ साथ एक इसकी सहायक नदी है खरकल नदी है, वो भी यहाँ पे जल जो है उपलब्ध करवाता है। और सबसे बड़ी जो सुविधा है वो है ये कोलकाता मुंबई रेलवे लाइन के ऊपर जो है ये कारखाना जो है स्थापित है। यहाँ से 250 किलोमीटर दूर जो है कोलकाता है, जो बंदरगाह की सुविधा भी इस उद्योग को उपलब्ध करवाता है। तो इसी के कारण ये उद्योग जो है इस स्थान के ऊपर स्थापित किए हुआ और वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। इसके पश्चात हम बात करते हैं दूसरा हमारा जो उद्योग है वो है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम इस्को के नाम से भी जानते हैं। ये स्थापित हुआ हीरापुर और कुल्टी दो स्थानों के ऊपर, और इन दोनों स्थानों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 11 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और प्रतिवर्ष यहाँ पे 10,00,000 टन जो है स्टील इनगॉट्स तैयार किए जाते हैं इस्पात पिंड, और 8,00,000 टन जो है वो तैयार स्टील जो है इस उद्योग में तैयार की जाती है। आप देखेंगे यहाँ पे झारखंड और वेस्ट बंगाल में यहाँ पे दो स्थान है, कुल्टी और हीरापुर नामक स्थान, आसनसोल के आसपास जो है ये स्थान है। आप इस जगह के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे कुल्टी है, ये हीरापुर है आसनसोल के आसपास। तो इस स्थान के ऊपर उद्योग जो स्थापित किया गया, सबसे पहले यहाँ पे लोहे की जो कच्चा लोहा है, लोहा अयस्क है, उसकी आपूर्ति हो जाती है, चाहे वो बर्नपुर से हो या हीरापुर कुल्टी इत्यादि से हो, या फिर कोयला इत्यादि जो है वो झरिया से उपलब्ध हो जाता है। दामोदर नदी जो है जल की आपूर्ति करती है, बराकर नदी जो है जल की आपूर्ति इस स्थान के लिए
करती है, परिवहन की सुविधा है, कोलकाता रेलवे ट्रैक के ऊपर जो है स्थापित है, ठीक है। तो इसके कारण जो है ये उद्योग जो है स्थापित इस स्थान के ऊपर किया गया है। इसके पश्चात हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा उद्योग है वो आता है विश्वेश्वर राय आयरन एंड स्टील वर्क्स लिमिटेड, BISL के नाम से जो है इसको जाना जाता है। इस उद्योग की स्थापना कर्नाटक राज्य में भद्रा नदी के किनारे जो है सन 1923 में, भद्रावती जो नदी है उस नदी के स्थान के किनारे जो है इसकी स्थापना की गई। शुरू शुरू में इस उद्योग को जो पहला इसका नाम था मैसूर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के नाम से जो है इसको जाना जाता था। तो ये उद्योग है, देखिएगा ये कर्नाटक राज्य है और इस स्थान के ऊपर जो है भद्रावती नामक स्थान है, उस स्थान के ऊपर इस उद्योग को लगाया गया है। तो विश्वेश्वराय इस्पात केंद्र भद्रा नदी भद्रावती इस स्थान के ऊपर, इसके यहाँ पे स्थापना के जो कारण है कि बाबा बुदुन की जो हिल्स हैं, पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों से जो आयरन ओर जो है प्राप्त होता है, चिकमंगलूर नामक स्थान है यहाँ से आयरन ओर जो है उपलब्ध हो जाता है। हालांकि इस क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र में जो कोयला है वह कम उपलब्ध रहता है, तो उसकी कमी के कारण यहाँ पे शिमला जो जल विद्युत केंद्र है, शिव सुंदरम फॉल्स या विद्युत केंद्र है, इस स्थान से जो है बिजली की आपूर्ति इस क्षेत्र के लिए होती है और इसके साथ साथ बाकी सुविधाएं भी इस क्षेत्र के लिए हैं, जल की आपूर्ति भद्रा नदी जो है इस स्थान के ऊपर कर देती है। सन 1973 के बाद जो है यह उद्योग जो है सेल के अंतर्गत आता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो है ये अब काम कर रहा है। इसके पश्चात हम बात करते हैं राउरकेला स्टील प्लांट की। राउरकेला स्टील प्लांट जो है इसकी स्थापना भी हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है की गई है 1959 में, उड़ीसा में, उड़ीसा के जो सुंदरगढ़ नामक स्थान है उस स्थान के ऊपर की गई, जर्मनी की आर्थिक और तकनीकी सहायता के द्वारा जो है इस उद्योग की स्थापना की गई। प्रतिवर्ष जो है 18 लाख टन मीट्रिक टन जो है इस बात ये हमारा उद्योग करता है। देखिएगा उड़ीसा, ये रहा उड़ीसा राज्य और यहाँ पे उड़ीसा राज्य में ही इस स्थान के ऊपर जो है राउरकेला नामक स्थान है, इस स्थान के ऊपर इसकी स्थापना जो है की गई है। तो इस स्थान के ऊपर इसकी स्थापना के जो कारण है, क्यों इसको यहाँ पे लगाया गया, उसका कारण है कि यहाँ पे जो आदर्श दशाएं हैं इस कारखाने के लिए, जल विद्युत जो है वो यहाँ से प्राप्त हो जाती है हीराकुंड बांध से, और उसके साथ साथ डोलोमाइट जो है वो हीरी की खदानें हैं, कोयला जो है इस तरफ जो है झरिया और बोकारो की खदानों से उपलब्ध हो जाता है, पानी जो है कोयल नदी है ये उपलब्ध करवाती है और ब्राह्मणी नदियाँ जो है वो यहाँ पे जल उपलब्ध करवा देती हैं, और रेलवे की सुविधा जो है प्राप्त है, श्रम की सुविधा जो है इस उद्योग के लिए जो है उपलब्ध है। इसके पश्चात हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो उद्योग आता है वो है भिलाई स्टील प्लांट। इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो है हुई है रशियन कोलैबोरेशन के द्वारा हुई है, रशिया या रूस की आर्थिक और तकनीकी सहायता के द्वारा जो है इसको छत्तीसगढ़ राज्य में 1957 जो है मैं जो है वो स्थापित किया गया, छत्तीसगढ़ में ही दुर्ग जिले में इसकी स्थापना जो है की गई है छत्तीसगढ़। ये देखिएगा यहाँ पे भिलाई इस स्थान के ऊपर, यहाँ जैसे रायपुर के साथ ही इसकी स्थापना जो है वो की गई है। तो इसके साथ साथ जो है हम बात करें भिलाई इस्पात केंद्र की, इसकी स्थापना के लिए जो आदर्श दशाएं हैं, भिलाई में दुर्ग और रायपुर से जो है लोह अयस्क उपलब्ध हो जाता है, उसके साथ साथ जो है जल की आपूर्ति जो है तुंदला टैंक से जो है वो प्राप्त हो जाती है, महानदी की जो सहायक नदी है बालाघाट इत्यादि से यहाँ से मैग्नीज उपलब्ध हो जाता है, फिर डली राजहरा हिल्स हैं यहाँ से कोयले की आपूर्ति हो जाती है, फिर यहाँ से ये क्षेत्र भी कोरवा क्षेत्र भी लोह अयस्क जो है उपलब्ध करवाता है, और रेलवे ट्रैक की सुविधा भी और परिवहन की सुविधा भी इस उद्योग के लिए उपलब्ध है। इसके पश्चात हम बात करते हैं दुर्गापुर स्टील प्लांट। जो दुर्गापुर स्टील प्लांट है, इस स्टील प्लांट की जो स्थापना है वेस्ट बंगाल राज्य के आसनसोल में स्थापित हुई थी और यूनाइटेड किंगडम की आर्थिक तकनीकी सहायता के द्वारा 1959 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही इसकी स्थापना जो है वो की गई है। यहाँ पश्चिम बंगाल इस स्थान के ऊपर आसनसोल के आसपास जो इसकी स्थापना जो है की गई। प्रतिवर्ष 18 लाख टन जो है वो इस्पात पिंड और 15 लाख टन जो है स्टील ये उपलब्ध करवाता है। और इसके पश्चात आप लोग देखिएगा यहाँ
इसकी आदर्श दशाएं जो है रानीगंज झरिया के आसपास ही दुर्गापुर स्टील प्लांट है, इस स्थान के ऊपर इसकी स्थापना जो है की गई है और परिवहन की सुविधा भी है। लोहा ऐसक जो है गुरु महिसानी कुटुपीटी इत्यादि नवामुंडी या वीर मित्रपुर भूमि यहाँ से चूना पत्थर इत्यादि जो है इस स्थान के लिए उपलब्ध हो जाता है। इसके पश्चात हम बात करते हैं बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो है 1964 में जो है बोकारो नाम के झारखंड राज्य में जो है वो स्थापित की गई है और 40 लाख टन जो है इनगॉट्स और 25 लाख टन जो है फिनिश्ड स्टील जो है ये उपलब्ध करवाता है। और ये जो बोकारो नामक जगह है जिस स्थान के ऊपर इसको स्थापित किया गया है, इसके इस स्थान के ऊपर स्थापना के लिए जो आदर्श दशाएं हैं ये बोकारो है और झरिया रानीगंज की कोयला उपलब्ध यहाँ से हो जाता है, दामोदर नदी जो है वो जल की आपूर्ति करती है, वीर मित्र भूमि से चूना पत्थर गुरमहिसानी सुलायपत और बादाम पहाड़ इत्यादि जो क्षेत्र हैं वो मैग्नीज और अन्य प्रकार की जो कच्चा पदार्थ है वो इसके लिए उपलब्ध करवाता है। इसके पश्चात हम बात करते हैं जो अन्य स्टील प्लांट्स हैं भारत देश में उनकी हम बात करते हैं। हालांकि ये जो अन्य स्टील प्लांट्स हैं वो लगभग तीन हमारे इस तरह के प्लांट्स हैं जो बड़े स्केल के ऊपर हैं, तो ये तीनों के तीनों जो है हमारे दक्षिण भारत में ही हैं। दक्षिण भारत में के अंतर्गत सबसे पहले जो हम बात करते हैं सेलम स्टील प्लांट, ये प्लांट है तमिलनाडु राज्य में और तमिलनाडु राज्य रहा ये, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये है सेलम। सेलम में यह उद्योग जो है स्थापित किया गया था 1982 में इस स्थान के ऊपर स्थापित किया। इसके पश्चात दूसरा आता है विजयनगर स्टील प्लांट, यह है कर्नाटक राज्य में, तो कर्नाटक राज्य कहाँ है, ये रहा कर्नाटक राज्य और ये है विजयनगर, तो विजयनगर के हासपेट में ही यहाँ पे इसको स्थापित किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि ये फुली इंडियन टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है पूरी जो तकनीक है प्रौद्योगिकी है वो भारतीय प्रौद्योगिकी के द्वारा जो है इस उद्योग को यहाँ पे स्थापित किया। फिर इसके पश्चात है तीसरा आता है पारादीप स्टील प्लांट्स इन ओडिशा, ओडिशा राज्य रहा ये और इसके साथ ही यहाँ पे पारादीप स्टील प्लांट्स हैं, तो यहाँ पे इस स्टील प्लांट को जो है स्थापित किया गया है। इसके अलावा भी जो अन्य ऐसे स्टील प्लांट हैं लगभग पूरे भारत देश में 206 ऐसी इंडस्ट्रीज जो हैं जो भारत देश में स्थापित की गई हैं, लेकिन ज्यादातर इनमें से ये जो उद्योग हैं वो स्क्रैप के ऊपर ही निर्भर रहते हैं, कच्चे माल के रूप में स्क्रैप को जो है इस्तेमाल करते हैं, तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इस प्रकार के उद्योग जो हैं स्थापित हैं। तो चलिए अंत में एक बार फिर आपको मैं रिवाइज करवा दूं, हमने सबसे पहले पढ़ा ये रहा जमशेदपुर, फिर इसके साथ साथ यहाँ पे कुल्टी और कुल्टी के साथ साथ जो है इसके साथ ही एक दूसरा उद्योग जो है स्थापित किया गया हीरापुर में इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के द्वारा, फिर हमने इसके पश्चात पढ़ा विश्वेश्वर राय स्टील प्लांट, इसके बारे में हमने पढ़ा, फिर उसके पश्चात राउरकेला, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं राउरकेला, फिर भिलाई, फिर दुर्गापुर और उसके साथ साथ जो है यहाँ आप लोग देख रहे हैं बोकारो इस बात के अंदर इत्यादि, और सबसे लास्ट में हमने पढ़ा सेलम सॉरी विजयनगर और इस तरह पारादीप इत्यादि जो है इन उद्योगों के बारे में हमने पढ़ा। विश्वेश्वर राय जो है यहाँ पे है भद्रावती नदी के किनारे जो है यहाँ पे स्थापित है, तो हमने इतना जो है आज तक हमने पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपने इस टॉपिक को मेरे साथ एंजॉय किया होगा और आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको आपने क्लियर किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।